2 जुलाई मंगलवार को संसदीय दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे ये माना जा रहा है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष जेपी नड्डा बनाए जा सकते हैं। बैठक शुरू होने के बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और राज्यसभा में नेता थावरचंद गहलोत ने भी जेपी नड्डा को सम्मानित किया। इसके बाद जेपी नड्डा को पीएम मोदी और अमित शाह के बीच बैठाया गया, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठन के चुनाव होने के बाद जेपी नड्डा बीजेपी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।